सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वर्तमान में प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि शेरविन द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 52वें पृष्ठ की 15वीं पंक्ति पर 33वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सकें, जान सकें, सीख सकें, समझ सकें, तदनुरूप साधना के दुरुपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, आवर आउटवर्ड हैपनिंग्स हैव देयर सीड विद इन, एंड इवन दिस रैंडम फेट दैट इमिटेट्स चांस, दिस मास ऑफ अनइंटेलिजिबल रिजल्ट्स आर द डम्ब ग्राफ ऑफ ट्रूथ्स दैट वर्क अनसीन, द लॉज ऑफ द नोन क्रिएट द नोन, द इवेंट्स दैट शेप द अपीयरेंस ऑफ अवर लाइव्स आर अ सीफर ऑफ सबलिमिनल क्विवरिंग, which rarely we surprise or vaguely feel, are an outcome of suppressed realities that hardly rise into material day. They are born from the spirit's sun of hidden powers, digging a tunnel through emergency. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भागवत संकल्प सिद्धि हेतु सृजित सृष्टि में जो घटनाएं बाहर घटित होती हैं, सतह पर घटित होती हैं, उनमें से अधिकांश हमें भ्रमित करती रहती हैं, क्योंकि घटित होने वाली घटना मानव मन के द्वारा समझे जा सकने योग्य नियमों की गति के अंतर्गत संचालित होकर संपन्न हुई हो ऐसा समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि वे संचालित होने वाले नियमों एवं आदेशों के अनुरूप घटित न होकर विपरीत प्रकार एवं परिणाम वाली ही मानव को प्रतीत होती है, जो किसी को भी यह मानने को बाध्य कर देती है कि यह तो किसी विश्रृंखल या अनियमित संयोग से घटित हुई देवयोग घटना है। किंतु जो कुछ घटना बाह्य जगत में घटित होती है, उस घटित हुए सब कुछ का बीज तो हमारे भीतर ही छिपा होता है। प्रत्येक मानव एवं समस्त जीवों के जीवन में घटित होने वाली समस्त गतियां तथा जगत में जागतिक शक्तियों के कार्य और यह अकस्मात ही घटने वाली विधि जो देवयोग जैसी लगती है, ये सब कुछ तो हमारे भीतर छिपे अंतरात्मा के भीतर छिपे प्लान योजना के अंतर्गत सत्यों का एक गूंगा रेखा चित्रण है,
जो अदृश्य रहकर कार्य किया करता है और जो कुछ भी घटित होकर वांछित अवांछित परिणाम हमें लगते हों, किंतु वे सभी अज्ञात के संकल्प से सृजित सृष्टि में हमारे भीतर छिपे रहने वाले अज्ञात के अंश जो पूरी भागवत योजना को सूक्ष्म रूप से पूर्व से ही धारण किए होते हैं, इनके मात्र सतत उदित होने वाले स्पंदनों से सत्य अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया हेतु अदृष्ट रहकर अब खुलते जाते हैं। इस प्रकार अज्ञात ईश्वर के नियम और गुप्त विधान ही तो इस समूचे ज्ञात जगत की रचना करते हैं। सामान्यतया मानव सतह पर होने वाली गतिविधियों के बारे में ही सचेतन होता है, किंतु हमारी सतइंद्रियानुभूति बाह्य सत्ता स्तरों से हटकर इन्हीं के आंतरिक अनेक स्तरों वाली भीतर गहराई में होने वाली सघन प्रक्रियाओं से हम प्रायः अनभिज्ञ ही रहते हैं और बाह्य सतही क्रियाकलाप और परिणामों से कुछ संदेह भर करके होने वाली क्रिया के मूल को समझ पाने का बस प्रयत्न करते रहते हैं। अबूझ पहेलियों को बूझते रहते हैं, किंतु सच तो यह है कि भीतर गहराई में होने वाली क्रिया की गतिशीलता के सतही परिणाम ही हमारे जीवन एवं जीवन पद्धति को तय करके आकारित करते हैं। इस प्रकार घटनाएं जो अपने बाह्य जीवन के रूपायण को ढाला करती है, वे प्रच्छन्न उत्कृष्ट प्रभावशाली पूर्ण सचेतन दिव्य अंत चेतना के स्पंदनों की एक गुई लिपि लिखावट है, जिसे सतही इंद्रियगत जीवन यापन में एक धुंधली सी अनुभूति होती और हमें आप्लावित करके भिगो देती या इसके स्पर्शन से रोमांचित होकर मानव विस्मित हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी बाह्य सतह पर घटित होता जाता, इसको भीतर की छिपी इन उत्कृष्ट चेतना से उदित संकल्पित स्पंदनों से प्रभावित होते चले जाने हेतु अनजाने बढ़ते ही सब कुछ चलता रहता है। उपनिषदों का कथन है कि जो कुछ बाह्य सतह पर घटित होकर परिणाम में आता, वही हमारे भीतर अंतर में चलने वाली क्रियाओं का माप होता है। अधिकांश सतह पर स्पंदित होकर भीतर से प्रवाहित प्रेरणाएं अंत स्थित सत्ता स्तरों एवं उनमें व्याप्त भीतर निवसित अंत पुरुष चेतना स्पंदनों द्वारा स्वतः सतत चलती रहने वाली गतिशीलता से धीमे धीमे परिपक्व होती जाती और उनमें से अधिकतर बाह्याकारी चेतना पर पड़े बाह्य जड़ीभूत अचित अज्ञान अंधकार के पड़े आवरणों को बाह्य इंद्रियगत प्रभावित जीवन यापन की आदत के कारण चीर कर बाहर सतह पर अपने को व्यक्त न कर पाने के कारण जीवन एवं जीवन यापन पद्धति को प्रभावित करके
वे अभिव्यक्त न हो पाती हैं। अचित जड़ तत्व प्रभावित जीवन से यह अवरुद्ध हुई अंत पुरुष की उन्नत चेतना जनित स्पंदन कभी कभी ही जड़त्व भंग कर सतह तक पहुंचती, अन्यथा तो वे अंतरात्मा एवं इसके इर्द गिर्द अदृश्य रहते हुए अपना कार्य करती ही चली जाती है और संकट काल में आवश्यकता की मौन घड़ी में सतत सतह पर अचानक ऊपर से आत्मा के दबाव से एक सुरंग बनाकर अभेद अचित का भेदन करके अकस्मात प्रकट होकर सहायक बन जाती है। अर्थात यह सब तो अवरुद्ध वास्तविकताओं का ही हठात प्रकट हो पड़ा एक उभार है, जो कि कभी मुश्किल से ही इस पार्थिव जीवन में निज शीश उठा पाती है। वे एक सद्य आवश्यकता परम आवश्यकता के ही खातिर अंतरतम में एक सुरंग बनाकर आत्मा की गूढ़ शक्तियों के सूर्य सविता से सीधे उत्पन्न होती हैं। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना, इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें, प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तर में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुवपथ पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुवपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।